अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सो माशाल्लाह भोपाल से एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आने वाली है अभी, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फैसल भाई से। फैसल भाई स्माइल प्लीज़। फैसल भाई क्या आपको लोगों को क्या बताना, थोड़ा सा प्लीज़ क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ऐसा है कि कमिंग बैक है जी, बकरा लिए है, पर्सनल खुद के लिए लिए है, बाद में डिसाइड करेंगे बेचना या नहीं बेचना, सेकेंडरी होता है। वैसे आप बात किया, तुमको भी मालूम है, मोस्टली जो बकरे में ताल्लुक से मेरे साथ में जुड़े हुए उनको मालूम है कि बकरा मैं लेता हूँ तो बीका तो ठीक होना, घर पे कुर्बानी वाले वो नियत ही रखता हूँ मैं हमेशा जी। तो भी अभी पर्सनल लिए, उसका डिसीजन नहीं लिए कुछ भी। और बहुत अच्छा बकरा है, पसंद आया, पूरा भोपाल हम लोग घूमे, उसके बाद में एक बकरे के ऊपर नज़र रुकी भी थी तो वही बकरे के ऊपर सौदा हो गया अलहमदिल्ला। जावेद भाई का बकरा है माशाल्लाह, और आसिफ भाई भी है साथ में, सही है। और आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, आप भी है आसिम भाई, जिस दिन से हम लोग आए कंटिन्यू घूम रहे हैं, इसमें ज़रूरी है, और बिगर कोई मुफाद के, और इनके घर पे इफ्तारी फिक्स हो रही थी अपनी। आप बेचारे मतलब क्या बोलूँ, ये वीडियो में बोलना सही नहीं है, पर शहरी तक में इतनी सपोर्ट, शहरी भी ला के दे रहे, और बहुत बहुत बड़ी बात है, और कंटिन्यू, और इनके भी काम कारोबार रहते हैं। मैं वाकई में अगर ये बम्बई में आएंगे तो मैं इतना वक्त नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अपना काम छोड़ के है ना ये बंदा अपने साथ में, और मैं भी तुम्हारे को बोल रहा था ना भाई उनको थोड़ा रहने दो, उनका अपना भी काम है, फिर बाद में अपन देखेंगे आराम से, क्योंकि अपने पास टाइम है। सही। एक अभी सीजन का एंड है तो मैं एक गोट केयर टेकर, मेरे को मालूम है कि भाई बकरे पे कितना वक्त देना पड़ता है, तो उनके आदमी लोग देख रहे हैं, लेकिन ये भी जाके देखना चाहिए। सो आज के जो मेन हीरो उनसे तो बात की जाए पहले, जावेद भाई से। जावेद भाई मुबारक हो आपको, बहुत बहुत वालेकुम सलाम। जावेद भाई कैसा रहा, मतलब फैसल भाई माशाल्लाह को पसंद आया बकरा, सो कैसा रहा आपका सौदा और क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों को? चक्कर क्या है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे आसिफ भाई है, माशाल्लाह भाई है, हम सब साथ ही बकराबाजी करते हैं जी, और ये माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र हर साल बिना रफ रहते हैं, और आप सबकी दुआओं से इस साल अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था, जो मैंने एक अपना बकरा बनाया था बहुत प्यार से मेरे छोटे भाई ने, जिसका नाम जुल्फिकार है, बकरे का नाम जुल्फिकार है, और अल्हम्दुलिल्लाह बकरा तारीफ लायक था, फैसल भाई को आसिफ भाई लाए, फैसल भाई ने बकरा देखा, उसी टाइम फैसल भाई को पसंद आया, लेकिन मसला रुका हुआ था डिसीजन पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई सामने बैठे, हम तीनों भाई साथ बैठे, जो सौदा अल्लाह ताला को कराना था सौदा हो गया, फैसल भाई को मैंने अपनी खुशी से और नेचर के साथ, पैसे ही सब कुछ नहीं होता, एक इंसान का नेचर होता है, और जानवर एक अच्छे इंसान के हाथ में जाए उस चीज की मुझे कदर है, इन्होंने मेरी चीज की कदर करी, पैसा तो आता जाता है, पैसे में खुदा का शुक्र कोई चाहत भी नहीं रहती, तो मैंने अपनी मर्जी से और एक ताल्लुकात बसी करने के लिए मैंने अपनी खुशी से फैसल भाई, और जैसा हम फैसल भाई रहते बहुत ग्राउंड टू अर्थ है माशाल्लाह, और वो तकब्बुर नहीं दिखेगा आपको, वही चीज में वो चीजें नहीं दिखेंगी आपको इंशाल्लाह, इसी वजह से सौदा पटा है। तकब्बुर वाले जो लोग हैं आजकल आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत छा रहे हैं, और हो सकता है इस वीडियो के बाद में कुछ वीडियो भी डालूंगा, क्योंकि कुछ हमारे भोपाल वाले, कुछ आपके पूना बॉम्बे वाले कुछ ऐसे चिपकने की हरकतें कर रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है, और तकब्बुर अल्लाह को भी पसंद नहीं है, कुछ गलत बात की हो तो आप चलिए। अभी हम लोग चलते हैं जुल्फिकार की तरफ जी, मतलब जुल्फिकार का मतलब ही होता है सोड, मतलब तलवार, खुदा की तलवार, तलवार वो भी बहुत ही ऊंचा मकाम, इसीलिए मैंने नाम भी यही सोच समझ के रखा था, तो आज अल्लाह ताला ने उसको उसके नाम की तरीके से पहचान दी, और आसिफ भाई सर्टिफिकेट भी मिला, उसको ट्रॉफी मिली है भोपाल के अंदर, आई होप वो ट्रॉफी भी मेरे को देंगे साथ नहीं भाई, फोटो तो खिंचाने आएंगे, आज शाम में आएंगे, आपका हक बनता है, ट्रॉफी आपका हक बनता है, वही की चाहत थी अपन को, वो आपका हक है, सर्टिफिकेट आपका हक, मेरे छोटे भाई के लिए है, उसकी पूरी मेहनत, लेकिन फोटो खिंचाने आसिफ भाई लाएंगे हम लोग, आसिफ भाई आसिफ भाई हमारा भाई है, बड़ा भाई है मेरे जी, आसिफ भाई नाम बड़ा पहचान। अभी आसिफ भाई आप बताओ लॉन्चिंग कैसी रहने वाली है इसकी? लोग देखेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह किसी के भाई किसी की जान जी, भाई जान हमारे सुना ही सुना था, आज रूबरू देखा है जी, और जब इंसान को जब भी पहचानो परख होती है, जब फेस टू फेस मिलते हैं, एक दूसरे का नेचर देखते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं, सब ठीक है। हमारे तो व्हाट्सएप पे पहले बहुत बातें होती थी, जब मैं 2016 की बात है जावेद भाई, जब आप ग्रुपों में थे जी, मेंढेबाजी करते थे, तभी तो तभी वो आती थी आपकी वॉइस, और वो फिर हर कोई माँ बहन चलता था, तो उसके अंदर हम लोग भी देखते थे, मजे लेते थे, वो सिर्फ माँ बहन वाली बातें होती थी वहां पर। तो मैं भी इनको मिला हूँ 2019 में जी,
आसिफ भाई के बकरे की। जब किंग बकरा लॉन्च हुआ था तो ये वो शख्स थे जो मैंने पहले वीडियो में बोला था, एक शख्स थे जावेद भाई करके, वो पैसे बांट रहे थे सबको, इतनी खुशी मतलब उनको इतना अच्छा और इतना डांस किए थे इन्होंने, इनकी चप्पल तक टूट गई थी, चप्पल टूट गई थी। तो एक एक ये रहता तो अब उनका बकरा भी नहीं था वो जी। ये मोहब्बत दोस्त कितनी बड़ी बात है। मैं बोला ना अल्लाह की मदद थी, ये मसला है ना, ये इनको जानवर से शुरू से ही मोहब्बत है जावेद भाई को। और मेरे को लगता पूरे भोपाल के अंदर वो बात है एकदम मोहब्बत वाली। मेरा इनविटेशन भी नहीं गया था इनको, क्योंकि इनका नंबर मेरे पास अभी भी सेव नहीं है। उस दिन भी आपने फोन किया तो आपने बोले जावेद बोल रहा, मैंने बोला हाँ बोलो भाई, फिर आपने पूरा ना लकब दिया आपका तो उससे मालूम पड़ा। तो वो क्या भाई जावेद भाई के पास जो बकरा था, मैं बोला ठीक है, मैंने आपको वादा किया था कि भाई 10 दिन में मैं आऊंगा, मैं 10 दिन में आया जी जी। मैं कोशिश किया कि आने की, उसके पहले जो वक्त दिया था उससे पहले आया, बात हुई, हम लोगों का सौदा हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बकरा अपना समझ के उसको वैसा ही संभालो, केयर टेकिंग करो, जैसी भी है अल्लाह की मर्जी है, जो भी अल्लाह उसको नवाजे वो मुकाम पे चले जाए, ताकि आप लोगों का नाम हो। हम लोग देखो ज्यादा करके हम लोग लाएंगे, मार्केटिंग करेंगे या बेचेंगे या कुर्बानी करेंगे, मेहनत असल आप लोगों की होती है, आपकी आपके भाई की माशाल्लाह मेहनत है, और एक नियत से पाले गए थी, वो नियत हम लोग नहीं बताए। फैसल भाई आपकी बात काट रहा हूँ, बकरा तो अलहमदिल्ला अच्छा हुआ आपने बात छेड़ी। देखिए जान माल का तो कोई बयाना होता नहीं और अपन लेते भी नहीं, सही है। दूसरी बात बकरे में जो वीक पॉइंट था वो आपने बोला था, मैं बताया उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरे भाई की वजह से, और अपन चार भाई बैठे, ये मेरी मोहब्बत है कि मैं जिंदा बकरा दूंगा आपको, ये वीडियो के माध्यम पे बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे पैसे लूंगा जी, नहीं तो मैं इंशाल्लाह आपसे पैसे नहीं लूंगा, जो आपके मेरे बीच में दोनों में तीनों में कमिटमेंट हुआ मैं उस पर इंशाल्लाह, ये इसलिए इस पर बोल रहा हूँ कि कल को शायद मैं ना पलट जाऊं, आप नहीं मैं अपना कह रहा हूँ, ये लेकिन एक मर्द आदमी ये बोल सकता है। मैं अपने बाप मुन्ने खा की औलाद हूँ, इसलिए बको कि आपका नेचर अच्छा लगा, आप अच्छे आदमी हो, चपड़ चपड़ वाले लोगों को मैं इतना झेलता भी नहीं हूँ, ये मेरा सौदा है, ये मेरे दिल की बात है कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन, बस आप लोगों से दुआ है कि उसको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, उसको हयात दे, जो भी है खिलाया होगा जो मैं अपने बकरे को खिलाता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है मुकद्दर से मैं खाता हूँ, ये मेरी सोच है कि मैं उसे नहीं खिला रहा, शायद उसके नसीब मुकद्दर से मैं खा रहा हूँ, सही है वाकई। आज ये दिल दिमाग से निकाल दो कि बकरे में इंशाल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, आज वेट करा लीजिए और जब लेके जाओगे इंशाल्लाह था आप, तो उसको हम क्या करेंगे। वीडियो पे बात हो रही तो वीडियो पे भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को वजन से कोई लेना कोई नहीं, मैंने आपसे उस टाइम ही बोला आप किंग के ताल्लुक से भी किंग अलहमदुल्ला 180 के करीब पहुंचा था, बेशक नो डाउट अलहमदुल्ला, लेकिन मैंने आसिफ भाई को बोल के मैंने बोला था भाई आधा दाना करो आधा सब कुछ करो, मैं बकरे की जान इम्पोर्टेंट, आपके दिल में नहीं आना चाहिए, हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट ही आएगा भाई, मेरे को वजन से लेना देना नहीं है, वो अल्लाह ताला नवाजेगा बेशक। हम लोग अगर है ना 1.25 किलो भी खिलाएंगे ना तो जिसको नवाजना है अल्लाह ही नवाजता है सही, तो फिर उसमें फिर काय के लिए जबरदस्ती, और ये तो क्लाइमेट ही नहीं है। और साहब ये प्यार मोहब्बत में सौदा हुआ और प्यार मोहब्बत में इन्होंने मेरी चीज ली है, सो अच्छाई और सो बुराई देखते हुए भी शायद मेरे बकरे में बहुत बुराइयां थी, ये ऐसा लोगों का सोचना है के ना, लेकिन उसके बाद इन्होंने लिया इसलिए मैंने इनको बकरा दिया, पैसों की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, और जो लोग सुनने वाले हैं सुनने तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, सही है, बहुत शुक्रिया पूरी टीम, बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, सो ये हमारे हीरो फ्रॉम भोपाल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम अलैकुम।